तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म, किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, पोस्ट एसएससी फर्स्ट ईयर एडमिशन फॉर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, जिसका एप्लीकेशन डेट अभी एक्सटेंड हो गया है। मतलब अच्छी बात है, जो लोग अभी तक फॉर्म अपना भर नहीं पाए हैं किसी भी वजह से, वो अभी उनके पास एक और वीक है, जो कि 7 जुलाई तक डेट थी लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, वो अभी डीटी ने 14 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। तो आपके पास और 7 दिन है एप्लीकेशन, पहले भी एक्सटेंड की थी एक हफ्ता, अब फिर से एक हफ्ता एक्सटेंड किया है, तो फिर से आपके पास मौका है, जो लोग बचे हैं वो फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस, फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, कौन से होने चाहिए, कौन से नहीं होगा तो भी चलेगा, तो सब कुछ, आपका पर्सनल डिटेल, कॉलेज का डिटेल कैसे डालना है, सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है, ताकि ये फॉर्म जो है आप घर बैठे भी खुद से भर पाओ, ठीक है। आप कॉलेज में जाके भरोगे, किसी भी आपके पास में कोई भी कॉलेज होगा, फेलिसिटेशन सेंटर हम जिसको बोलते हैं, उसमें तो आप भर ही सकते हो, वहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिलेगा, कोई डाउट है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद कॉलेज में जाओ, घर पे जाओ, आप खुद भी भर पाओगे, ठीक है। और छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ जो शायद आपको वहाँ के स्टाफ भी नहीं बताएंगे, जो गलत होने पर आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी छोटी छोटी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को अंत तक देखना है, शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मराठी में डीटी, महाराष्ट्र के डीटी ने मराठी में ये पीडीएफ जो है वो बनाया हुआ है, और ये डीटी की तरफ से है, मतलब ऑथोराइज्ड पीडीएफ है, जिसका रेफरेंस लेके मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, तो कोई भी यहाँ पे डाउट करने की मतलब संभावना है ही नहीं, ठीक है। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये 2022-23 की एडमिशन प्रोसेस है। मैं आपको पहले ही बता दूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जल्दी जल्दी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना मैं स्किप कर दूं या रह जाए, तो छोटी छोटी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ होता है एडमिशन का, इस पर आपका करियर है, तो यहाँ पर हम गलती नहीं कर सकते। तो वीडियो 2-4 मिनट लंबा भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं, मैं यहाँ पर मराठी में पढ़ूंगा जो लिखा है, और उसको आपको हिंदी में भी मैं समझाऊंगा, ताकि मराठी वाले और हिंदी वाले दोनों भी समझ पाए पूरे एडमिशन प्रोसेस। आई होप हिंदी तो सबको समझ में आता ही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पढ़ लेता हूँ, तंत्र शिक्षण संचालनालय ने महाराष्ट्र राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज प्रथम वर्ष पोस्ट एसएससी पदवी का अभियांत्रिकी या अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियाचे ऑनलाइन अर्ज भरण्याची लिंक या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे। मतलब ये जो आपको यूआरएल दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो है ये बोल रहा है इस वेबसाइट पर जाके आपको वहाँ पर फॉर्म भरने का सुविधा उपलब्ध किया है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैं उसका लिंक दे ही दे दूंगा, डायरेक्टली आपको वो उस पोर्टल पे लेके जाएगा जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। तो जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक पे आप क्लिक करोगे, तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा जो आपको ये अभी दिख रहा है सामने, ठीक है। ऐसा कुछ दिखेगा उस पेज पर, जहाँ पर क्या क्या लिखा होगा और क्या करना है ये मैं बताऊँगा। पहले मैं पढ़ लेता हूँ, प्रथम वर्ष पोस्ट एसएससी, ये मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, पदवी का अभियांत्रिकी या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांनी संचालनालयाच्या संकेतस्थळावरील लिंक उघडून मुखपृष्ठावरील मेनूमध्ये प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक, प्रवेशाची शैक्षणिक पात्रता, प्रवेश प्रक्रियेसाठीचे शासन निर्णय, प्रवेश प्रक्रिया संदर्भात मार्गसूचना, प्रवेशपत्रके व ऑनलाईन अर्ज भरण्याबाबतच्या मार्गसूचना याचा अभ्यास करून प्रवेश प्रक्रियेसाठी अर्ज करावयाच्या अभ्यासक्रमाची निवड करावी। मतलब मैं यहाँ पर आपको करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इस लिंक पे जाता हूँ, चलो मैं क्या करता हूँ, इस लिंक पे यहाँ पे चले ही जाता हूँ, ठीक है। तो डीटी का जो लिंक है, जब आप डायरेक्टली ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको लिंक दिख जाएगा, ठीक है। ये डीटी की वेबसाइट है, और यहाँ पर जाने के बाद आपको एडमिशन में जाना है और पोस्ट एसएससी डिप्लोमा पे क्लिक करना है।
तो आप इस वाले पोर्टल पे आओगे और इसकी जो लिंक है ये वाली में डायरेक्टली मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। आपको इस इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जाने के बाद ये सब कुछ दिखेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये क्या बोल रहा है ये देखते हैं अभी। प्रवेश प्रक्रियाचे वेळापत्रक, मतलब टाइम टेबल आपको पूरा चेकआउट करना है, जो कि यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट डेट्स में मिलेगा, ठीक है। टाइम टेबल यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा टाइम टेबल मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 14 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद की प्रोसेस भी नीचे दी गई है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 16 तारीख को डिस्प्ले होगी और फाइनल मेरिट लिस्ट 19 तारीख को डिस्प्ले होगी, ठीक है। टाइम टेबल में थोड़ा चेंज आ चुका है, मतलब एक्सटेंड हुआ है। उसके बाद आपको और क्या करने को बोला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा ये भी देख लेना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं मराठी में, जिसमें पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। तो यहाँ पर ब्रोशर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या फिर आप यहाँ से भी, यहाँ पे क्या क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन लिस्ट ऑफ सर्च इंस्टीट्यूट, यूज़र मैनुअल, और यहाँ पर आपको ये भी मिलेगा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर इन मराठी। इसको ओपन करोगे तो आपके पास एक और पीडीएफ आएगा, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया, सब कुछ यहाँ पर दिया रहेगा, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट ईयर में आने के लिए आपको क्या लगेगा, आप मतलब इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद आपको कम से कम 35% मार्क चाहिए 10वीं में, बराबर। तो आप इस पोस्ट के लिए, इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर ये बोला है। तो उसके बाद हम देखते हैं वो पेज जो है जो ओपन होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, ये मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। और हमारा कौन से पेज पे था, इस पे आप आने वाले हो, ठीक है। तो उसके बाद बोला गया है प्रवेशासाठीचा, ये मैं पढ़ रहा हूँ पॉइंट नंबर 1 अभी, प्रवेशासाठीचा अभ्यास पदवी का अभ्यासक्रम निवड झाल्यानंतर मुख्य पृष्ठावरील न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन बटन यावर क्लिक करावे। मतलब कौन सा बटन पर क्लिक करना है आपको, आपने अभी तक कुछ नहीं किया है उनके लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है, यूजर नेम पासवर्ड जिनके पास है उनको इस पर क्लिक करना है, ये वाला रजिस्टर्ड कैंडिडेट, और जो अभी नए हैं पहली बार आए उनको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ आपको, देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला पेज ओपन होगा, वहाँ पे आपको क्या करना है वो भी पढ़ लेते हैं। अब फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे कर रहे हैं, ऑनलाइन नोंदणी अर्ज उघडल्यानंतर उमेदवार स्वतःचे संपूर्ण नाव, ईमेल आयडी, भ्रमणध्वनी क्रमांक मतलब मोबाइल नंबर, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आयडी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पासवर्ड, वो मैं ठीक से बता देता हूँ। यहाँ पे आके आपको यहाँ पे पूरा नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे आपको पूरा नाम, जो भी है आपका पूरा नाम लिख देना है, जो कि आपका SSC मार्कशीट जो आपको होगा उसमें जो नाम है वही आपको लिख, आपका एक ईमेल आईडी यहाँ पे दे दो, ठीक है। यहाँ पे एक ईमेल आईडी लिख लो, जो वर्किंग ईमेल आईडी हो, उस पर आपको बहुत सारे काम आने वाले आगे, तो कुछ भी ईमेल आईडी नहीं देना है। जो आपका सही नंबर, वर्किंग नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पे भर दो, ठीक है, क्योंकि OTP वगैरह बाद में वेरिफिकेशन के लिए उस पर ही आएंगे, ठीक है। और आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी स्टेट है, महाराष्ट्र ही होगा ज़्यादातर बच्चों का, या फिर उसके अलग कुछ भी है वो आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मैं अगर महाराष्ट्र सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे जाने का महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जिले आ जाएंगे, तो उसमें कौन सा जिला है वो आपको चेक करना है, यहाँ पे ले लेना है। जैसे कि मान लो मेरा पुणे है, तो यहाँ पे पुणे, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड चूज करते समय मैं आपको एक बात बता दूँ, पासवर्ड मस्ट बी 7 to 15 कैरेक्टर्स, बराबर 7 अक्षर से ज़्यादा, मतलब 7 लेटर से ज़्यादा लेटर्स होने चाहिए पासवर्ड में। और उसके बाद 1 न्यूमरिक डिजिट और 1 स्पेशल कैरेक्टर, मतलब उस पासवर्ड के अंदर एक, मतलब कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। मतलब जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे योर
यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया, ये पढ़ लो, यू आर पास एट 37, मतलब कम से कम एक उसमें नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर मतलब क्या होता है, हैश हो गया, एट द रेट, ज़्यादातर लोग एट द रेट ही यूज़ करते हैं, अंडरस्कोर कुछ भी यूज़ कर सकते हो, डैश, तो ये स्पेशल कैरेक्टर एक होना चाहिए और एक नंबर कम से कम होना चाहिए, बाकी सब लेटर्स होंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए, याद नहीं रहता है तो कहीं पर लिख लेना है, आपके मोबाइल में कहीं पर भी आप लिख सकते हो पासवर्ड को, ठीक है। तो वो पासवर्ड आपको लिख लेना है और याद रखना है, क्योंकि बाद में जब आप दोबारा लॉगिन करना चाहोगे तो ये आपको ज़रूरी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको जब अगली बार आओगे यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट होने के बाद, तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करोगे तो आपको वही एप्लीकेशन आईडी जो भी बनेगा आपका वो, और जो भी पासवर्ड आपने चूज़ किया था वो डालने के बाद ही आप यहाँ पर लॉगिन कर पाओगे, ठीक है, आपके पोर्टल में। तो पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं, अब अगला स्टेप करते हैं, नेक्स्ट स्टेप 1.2। फर्स्ट फेज का अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे अभी। ऑनलाइन नोंदणी अर्जातील दुसऱ्या टप्प्यात नमूद केलेल्या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर तपासणीसाठी संगणकीय प्रणालीद्वारे OTP पाठवण्यात येईल। स्क्रीनवरील एंटर OTP बॉक्समध्ये भ्रमणध्वनीद्वारे प्राप्त OTP नमूद करून सबमिट बटनवर क्लिक करावे। इसका मतलब है उसके बाद आपके मोबाइल नंबर जो भी दोगे आप उस पे, वो सबमिट करने के बाद एक OTP आएगा मोबाइल नंबर पे, कुछ नंबर आएगा, वो नंबर अगले स्क्रीन पे जो भी पेज आएगा उसमें आपको इस जगह पे डाल के, ये जो दिख रहा है वहाँ पे OTP डालना है जो भी मोबाइल में आएगा, और सबमिट क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा ये भी देखते हैं, ठीक है। ऑनलाइन नोंदणी अर्जातील तिसऱ्या टप्प्यात उमेदवाराने ऑनलाइन भरलेल्या माहितीच्या आधारे उमेदवारास संगणकीय प्रणालीद्वारे अर्ज क्रमांक दिलेला आहे, सदर अर्ज क्रमांक आयडी उमेद कायमस्वरूपी जतन करून ठेवायचा आहे। मतलब आप सबमिट करने के बाद OTP डालने के बाद आपको एक एप्लीकेशन आईडी, मतलब अर्ज क्रमांक, ये दिख रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे साफ साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप समझ सकते हो, यहाँ पे कुछ तो आपको एप्लीकेशन आईडी मिलेगा, बराबर, वो एप्लीकेशन आईडी और आपका पासवर्ड आपको ध्यान में रखना है, कहीं पे लिख के रखना है, ठीक है, वो आप भूल नहीं सकते, बाद में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको। ओके, ये दो स्टेप सब स्टेप हो गए, अब मेन स्टेप जो चल रहा था हमका, उसका दूसरा स्टेप देखते हैं, चौथा स्टेप देखते हैं, खाते लॉगिन आणि अर्जदाराची वैयक्तिक माहिती। अब आपका क्या हो गया यहाँ पे, आपका एप्लीकेशन आईडी तैयार हो गया और पासवर्ड, ये दोनों चीज़ हैं आपके पास, ठीक है, आपने कहीं पे लिख भी लिया है उसको। तो उसके बाद क्या करना है आपको, ऑनलाइन नोंदणी रंगणी प्राप्त झाले अर्ज क्रमांक योजना के पासवर्ड कॅप्चा हे लॉगिन स्क्रीनवर नमूद लॉगिन या बटनावर क्लिक करावे। मतलब यहाँ पर आपको जैसे ही आप यहाँ पर जाते हो, ये मैं दिखा देता हूँ, आपका क्रिएट हो गया, तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पे जैसे ही हम आते हैं तो वहाँ पे आपको वो पासवर्ड और यूज़र पासवर्ड यहाँ पे डालो, एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे डालो, और यहाँ पे एक कैप्चा दिया है, जैसे कि यहाँ पे 1+6 है, उसका एडिशन क्या होता है 7, तो 7 यहाँ पे डाल दो और लॉगिन को, वो बस वेरिफिकेशन के लिए होता है, जो भी यहाँ पे पूछा जाता है वो यहाँ पे आपको उसका आंसर देना होता है, उसका चिंता नहीं करना है, वो हर बार अलग अलग आ जाएगा। तो लॉगिन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो बाद में क्या होगा, लॉगिन पर क्लिक कर देने के बाद वो देखते हैं हम। अब अगला पेज ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, तो ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये मैं पढ़ लेता हूँ पहले मराठी में। खाते उघडण्यासाठी लॉग इन झाल्यानंतर उमेदवारास अर्जाची ई छाननी, ई स्क्रुटिनी और फिजिकल स्क्रुटिनी, दो ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास, ई स्क्रुटिनी और फिजिकल स्क्रुटिनी, ये दो ऑप्शन है। ये कैसे, किसके ऑप्शन है ये, स्क्रूटिनी मतलब वेरिफिकेशन, पूरे जो वेरिफिकेशन है जो आप कर रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म भरते, वो फिजिकल वे से भी कर सकते हो या फिर ऑनलाइन वे से भी कर सकते हो। आप फिजिकल वे से करने का और ऑनलाइन दोनों तरीके दिए हैं, तो पहले ई स्क्रूटिनी का मतलब देखते हैं। आफ्टर सिलेक्टिंग द ई स्क्रूटिनी मोड, कैंडिडेट शैल फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनी कंप्यूटर और स्मार्टफोन कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है। ये जो ई स्क्रूटिनी मोड है, आप ई स्क्रूटिनी मोड अगर सिलेक्ट करते हो तो ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आप मोबाइल फोन से भी भर सकते हो खुद से, और कंप्यूटर से भी भर सकते हो अपने आप, ठीक है।
इट इज़ नॉट नेसेसरी टू विजिट फेलिसिटेशन सेंटर, मतलब आपके किसी भी कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है वेरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, सब कुछ घर बैठे होगा। द एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड एंड कंफर्म्ड बाय FC थ्रू ई स्क्रूटिनी मोड। कॉलेज जो है वो ऑनलाइन ही आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर देगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हो गए। इफ नो डिक्रिपेंसी द स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल इन द कैंडिडेट्स लॉगिन अलॉन्ग विद रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट। अगर आप ई स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट करते हो, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलाइड करते हो, तो जो भी फेलिसिटी सेंटर है वो वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वो अपडेट कर देगा। आप यहाँ पे लॉगिन में आपके जाके देख सकते हो आपका वेरीफाई हुआ है या नहीं। अगर वेरीफिकेशन नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम होता है फेलिसिटी सेंटर की तरफ से, या उनको लगता है भाई ठीक नहीं है इसने नाम अपना, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है फॉर्म भरने में, फॉर्म ठीक से नहीं भरा है, तो वो फेलिसिटी सेंटर आपके लॉगिन पोर्टल में, यहाँ पे इस साइट में लॉगिन करने के बाद आप वो दिख जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व करके दोबारा खुद घर से ही फ़ोन से या कंप्यूटर से कर सकते हो। मतलब ई स्क्रूटिनी मोड पे आपको कॉलेज में जाके, कहीं पे भी जाके, फेलिसिटी सेंटर में जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद घर से कर सकते हो अगर आपको लगता है मैं कर सकता हूँ। अगर ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिजिकल स्क्रूटिनी दूसरा ऑप्शन है, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको ऐसे क्लिक करना होता है। आफ्टर सिलेक्टिंग फिजिकल स्क्रूटिनी मोड कैंडिडेट्स हैव टू विजिट द फेलिसिटी सेंटर। अगर आप ये मोड लेते हो तो आप कॉलेज में जाके भर सकते हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं खुद नहीं कर सकता, खुद नहीं, कभी मैंने कभी कंप्यूटर पहले हैंडल नहीं किया है, ऐसा आपको लगता है, वैसे आसान है जिनको कंप्यूटर का बहुत मतलब नॉलेज है, इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं, या फिर इंग्लिश में अच्छा है, या फिर कर सकते हो, तो ये बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फिजिकल स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट करें, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टाफ होगा मदद करने के लिए फॉर्म भरते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आया तो, ठीक है। तो फिजिकल स्क्रूटिनी मोड करते हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पे सब कुछ कॉलेज जाके आप कर सकते हो, ठीक है। आपके आसपास कोई कॉलेज है फेलिसिटी सेंटर चेक करना हो तो वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप इस वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ फेलिसिटी सेंटर्स है, यहाँ पे देख सकते हो, लिस्ट ऑफ फेलिसिटी सेंटर पे जाएंगे, और यहाँ पे मान लीजिए आप कहाँ रहते हो, मान लीजिए आप औरंगाबाद में रहते हो, औरंगाबाद में, ठीक है। तो औरंगाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, तो ये सर्च में आपको सिर्फ औरंगाबाद का स्पेलिंग डालना है, औरंगा क्या है, AURANGA। तो देखिए औरंगाबाद के जितने भी कॉलेजेस हैं, या फिर आपका उसमें जो एरिया है उसका भी नाम डाल के औरंगाबाद में जितने भी कॉलेज वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस सारे लिस्ट में आपको देख लेना है कौन सा कॉलेज कहाँ पे है, कॉलेज का एड्रेस भी है, और कैसे उस कॉलेज तक पहुँचना है ये भी यहाँ पर दिया हुआ है पूरा, ये पढ़ सकते हो। मान लीजिए अभी गवर्नमेंट पॉलिटिकल औरंगाबाद है, तो ये कहाँ पर है, ओस्मानापुर में है, और इसका पिन कोड भी यहाँ पर है, और पहुँचना कैसे है, 1 किलोमीटर फ्रॉम रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर से है। तो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, फेलिसिटेशन सेंटर का कोड क्या है, उसका एड्रेस क्या है, और वहाँ तक कैसे पहुँचना है ये भी दिया है। तो फेलिसिटेशन सेंटर सर्च करना कोई मुश्किल बात नहीं है, जो भी आपके घर से नज़दीक होगा, आपके लिए जाना आने जाने में नज़दीक होगा, वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए हैं, ठीक है। उसके बाद ई स्क्रूटिनी अगर आप मान लीजिए आपने पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया है ई स्क्रूटिनी वाला, तो उसके बाद क्या होता है ये देखते हैं। यहाँ पर लिया है, यामध्ये उमेदवाराच्या लॉगिन डॅशबोर्ड अर्जाचे एकूण 8 टप्पे दर्शवले आहेत, त्यापैकी पहिला टप्पा पूर्ण झालेल्यावर पुढील उर्वरित टप्पे उमेदवार पूर्ण करण्याचे, जोपर्यंत डॅशबोर्डवरील सर्व टप्पे पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आपला ऑनलाईन अर्ज जमा झालेला नाही असे समजा। मतलब कुछ स्टेप्स है, स्टेप वाईज आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, स्टेप वाईज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर आपके कॉलेज की इन्फॉर्मेशन, फिर मार्क्स, ऐसे पूरे इन्फॉर्मेशन होने के बाद आप समझ सकते हो कि मेरा हो गया है एप्लीकेशन फॉर्म भरना। तो सब कुछ दिखेगा यहाँ पे, कोई डाउट करने की मतलब ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल स्क्रूटिनी, मतलब फेलिसिटी सेंटर पे जाने के बाद कैसे करेंगे। तो वहाँ पे सबसे पहली स्टेप आपको क्या करने हैं, फेलिसिटी सेंटर में जाने के बाद आपको क्या मध्य उमेदवाराला प्रत्येक सुविधा की छाननी करताना जिल्हा फेलिसिटी सेंटर आणि तारखेची निवड करावायची आहे। मतलब फिजिकल स्क्रूटिनी अगर आप चुनते हो तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं।
आप फिजिकल स्क्रूटनी करो या ई स्क्रूटनी करो, दोनों में सिमिलर है। ये सारे स्टेप्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है यहाँ पर, फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, बराबर। वो पहला स्टेप आपका हो गया है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का अभी तक, ठीक है। अब दूसरा स्टेप कैंडिडेचर टाइप डिटेल्स, तो वो देखते हैं उसमें आपको क्या भरना है, ठीक है। कैंडिडेचर टाइप डिटेल्स में आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हो, यहीं से जहाँ पे क्लिक करते हो, तो आपको ये पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ कैंडिडेट ई स्क्रूटनी मोड में तो आप खुद से करना है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ सिलेक्ट करना है। आप महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हो तो यहाँ पे चेकआउट कर दो, यहाँ पे सामने ये सब बटन दिए हैं, जो भी आप पढ़ना है ये ठीक से पहला पॉइंट पढ़ दो, ये पॉइंट पढ़ लो, अगर आप सही है आपके लिए तो यहाँ पे टिक कर दो। फिर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप बी, टाइप ए, टाइप ए मतलब होता है रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से अगर पास आउट हुए हो, और टाइप बी मतलब होता है ए कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन टाइप ए बट हुज फादर और मदर इज डोमिसाइल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जिनके जो कैंडिडेट अभी महाराष्ट्र में नहीं है लेकिन जिसके फादर मदर दोनों या फिर कोई एक दोनों में से महाराष्ट्र से है, तो ये दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर, ऐसे पढ़ के आपको करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, सबमिट करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं स्टेप होम डिस्ट्रिक्ट, देखा है स्टेप थ्री यहाँ पे देख रहे हैं। स्टेप वन हो गया हमारा, स्टेप टू हो गया, आप स्टेप थ्री देखते हैं, ठीक है। स्टेप थ्री जब आप क्लिक करोगे तो स्टेप थ्री ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। योर टाइप ऑफ कैंडिडेट इज महाराष्ट्र टाइप ए, ठीक है। तो होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट विच कैंडिडेट हैज़ पास्ड, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने दसवीं किया है वहाँ पे उसका चुन लेना है डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद तालुका सिलेक्ट करना है, पहले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है तालुका, फिर आपको यहाँ पे नाम टाइप करना है आपके दसवीं का, जो भी कॉलेज था मतलब स्कूल नेम था वो टाइप कर लेना है। तो उसके बाद का जो स्टेप है वो कौन सा है, वो कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको वो जो भी है उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड कर लेना है। यामध्ये उमेदवार ज्या सामाजिक प्रवर्तक म्हणून त्या प्रवर्गाची निवड करायची आहे, मतलब अब कैटेगरी मतलब कास्ट बोल सकते हो आप, वो आप सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, ये पेज ओपन हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए कैटेगरी डिटेल्स, डू यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, अगर आप है तो ये सिलेक्ट करो, अगर जनरल में नहीं हो मतलब ओपन में नहीं हो तो आप और कोई कास्ट है तो रिजर्वेशन में आते हो तो रिजर्व पे क्लिक करो। अगर आप हैंडीकैप्ड हो मतलब डिसेबल हो, आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस पे क्लिक करो, नहीं तो नो पे क्लिक करो। डिफेंस मतलब आप आर्मी में है, डिफेंस में है आपके पिताजी, तो यहाँ पे कोई भी माता पिताओं में कोई भी तो यहाँ पे यस करो, क्योंकि आपको वो सेपरेट रिजर्वेशन मिलेगा मेरिट पे, ठीक है। उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड करने के बाद अगला फील्ड ओपन होगा, वो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, बराबर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला पेज ओपन होगा, आपको यहाँ पे इस पेज में मार्क्स ऑप्टेंड एसएससी मैथमेटिक्स के मार्क्स डालने हैं, ठीक है। उसके बाद साइंस के मार्क्स डालने हैं, फिर इंग्लिश के और टोटल एग्रीगेट मार्क्स डालने हैं। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ टोटल एग्रीगेट मतलब क्या होता है, महाराष्ट्र राज्य मतलब जो महाराष्ट्र में पढ़े हुए हैं महाराष्ट्र बोर्ड में उनका एग्रीड होता है एक कून पाँच विषय, मतलब जो भी आपके मार्कशीट पे बेस्ट ऑफ फाइव के जो भी मार्क्स होंगे वो आपको डाल देने हैं, बराबर। आईसीएसई उम्मीदवार जो आईसीएसई बोर्ड के लोगों के लिए, उनके लिए ये पढ़ सकते हो आप। और तीसरा ऑप्शन सीबीएसई के लोगों के लिए है, सीबीएसई के लोगों के टोटल मार्क्स मतलब क्या होंगे, मार्कशीट में फिर से वही है सारे सब्जेक्ट जो होते हैं उनको मिला के जो टोटल मार्क होते हैं मार्कशीट में वो आपको यहाँ पे लिख देने हैं, बराबर। एसएससी टेक्निकल होगा, आपके एसएससी टेक्निकल से किए हो तो यस करो, नहीं तो नो करो। और जिन्होंने एसएससी आईटीआई किया है उनके लिए ये दो फील्ड है, बराबर। अगर आपने बारहवीं भी किया है तो यहाँ पे टिक करो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग जो भी आपका स्टेटस है, आईटीआई किया है तो यस करो, नहीं किया तो नो करो। उसके बाद यहाँ पे एक लिखा हुआ है
जे उमेदवार 2022 मधील 10वी उत्तीर्ण आहेत त्यांनी उमेदवाराचे नाव, उमेदवाराच्या आईचे नाव व 10वी SSC आसन क्रमांक उत्तीर्ण मध्ये ऑटोमेटिक डेटा फेच होऊन तुम्हाला स्क्रीन। अगर आप इसी साल पास आउट हुए हो, 10वी अभी आपने इसी साल पास आउट किया है, तो आपका ऑटोमेटिक डेटा वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप जितना भी भरते हो उसके बाद वो बाकी का जो डेटा है वो ऑटोमेटिक पूरा नाम, आपका माँ का नाम जो भी है वो ले लेगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा अगर आपने 2022 में 10वी दिया है तो। ठीक है, उमेदवाराचा 10वी SSC मध्ये तांत्रिक अभ्यासक्रम होता का असल्यास त्याबाबतची माहिती नमूद करावी। 10वी में आप जो भी टेक्निकल 10वी टेक्निकल जो होता है अगर आपने किया है तो वो भी आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना चाहिए, वो पहले ही मैंने बता दिया है। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। अब आपको पर्सनल डिटेल्स भरना होगा सेव करने के, ये होने के बाद क्या है इसमें आपको क्या क्या भरना है, आपका पूरा नाम, ठीक है, आपके माताजी का नाम जो भी है ठीक से भर देना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कैपिटल में भरने को बोला है तो कैपिटल में ये भर दो आप। ठीक है, उसके बाद आपका बर्थ डेट, जेंडर, ऑर्फन हो क्या, मतलब आप अनाथ हो क्या, तो वो भी आपको टिक करना है, और आपका फैमिली इनकम, आप हिंदू हो मुस्लिम हो जो भी है आपको टिक करना है, और आप कौन सी मदर टंग है, मराठी है, हिंदी है, सिंधी है, जो भी हो सकती है वो यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। उसके बाद का स्टेप जो आएगा वो ये आएगा, इसमें क्या करना है आपको, आपका अपना फ़ोटो यहाँ पे फ़ोटो चूज फाइल पे करना है, और फ़ोटो आपका मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल में फ़ोटो होना चाहिए, PC से कर रहे हो कंप्यूटर से तो कंप्यूटर में पहले फ़ोटो डाल लो पेन ड्राइव से, और फिर वो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको सिग्नेचर भी आपका क्या करना है, आपको प्रेस एंड चूज, इंपोर्ट फोटो, चेक एंड अपलोड फोटो विथ सिग्नेचर बोला है। ठीक है, फोटो विथ सिग्नेचर, क्योंकि आपको फोटो पे सिग्नेचर अपलोड फोटो विथ फोटो पे आपको सिग्नेचर करना है और वो अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको अभी एप्लीकेशन फी भरना है जो भी है, यामध्ये उमेदवार अर्जात निवडलेला सामाजिक व समाधान प्रोग्रामचा प्रवेश प्रक्रियेसाठी जो जिस भी आप कैटेगरी में हो उस हिसाब से आपको 400 रुपये या 300 रुपये, कैटेगरी में हो तो 300 रुपये फीस भर के पे नाउ, मतलब वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाएगा, अगर आप ओपन से भर रहा हो तो यहाँ पे 400 रुपये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करके जो भी है पेमेंट मेथड, आप फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ऐसे किसी भी तरीके से कर सकते हो खुद। ठीक है, तो जैसे ही कर जाओगे तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस आपका पूरा सारे स्टेप्स कंप्लीटेड दिखेंगे, आप देख रहे हो यहाँ पे पूरे के पूरे स्टेप्स कंप्लीट है, बराबर। और यहाँ पे जैसे ही स्टेप्स कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद अगर प्रोसीड करोगे तो आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी आपने फिल किया है वो पूरा आपको दिख जाएगा, और प्रिंट बटन पे क्लिक करके यहाँ पर वो एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लेना, और वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में, या फिर इसकी उसकी एक प्रिंटआउट निकाल के अपने हार्ड कॉपी भी आपके पास रख सकते हो, और उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फॉर्म जब आपके पास डाउनलोड होता है तो उसमें भरी हुई पूरी इन्फॉर्मेशन फिर से क्रॉस वेरीफाई करो, चेक करो सही है या नहीं। ठीक है, तो ये पूरी फेज़ में आपका ये हो गया है एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, आपको इस तरीके का फॉर्म दिख जाएगा। आई होप सारे लोगों को समझ में आ गया है, अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है। वीडियो आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म अभी भर रहे हो तो वीडियो चालू करो ये, और जैसे मैंने बताया वैसे भरते जाओ। ठीक है, फिर कोई डाउट आता है तो कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आपको ये प्रिंटआउट ज़रूर आपके पास रखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको भूलना नहीं है, वो बाद में काम आने वाला है एंड तक, जब तक आप कॉलेज में जाते हो जो भी आपको कॉलेज मिलेगा तब तक आपको वो लगने वाला है, तो उसको नहीं भूलना है, लिख लो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, अभी बारिश होता है बहुत सारे, कई बच्चों के पास कॉलेज नहीं होता है, तो बहुत सारे लोगों को ये हेल्प करेगा कि फॉर्म कैसे भरना है। मतलब बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि बहुत सारे लोग ये आसान होता है लेकिन नहीं भर पाते हैं, तो मैंने ये
आसान बनाने के लिए, कितना सिंपल है और आपको मदद करने के लिए वीडियो बनाने, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। वीडियो को लाइक करो, अगर आप लाइक करते हो तो YouTube खुद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जो होगा उसको प्रेस करो, तो ताकि अगला इंपॉर्टेंट अपडेट मैं लेके आऊँगा तो सबसे पहले आपको मिलना, आप मिस नहीं करना है आपको कोई अपडेट। और सब्सक्राइब करो और कोई भी डाउट हो कमेंट ज़रूर करो। आई होप ये सबको अच्छी तरह से समझ आ गया है, और इसी तरह का अगले अपडेट, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव वीडियो या कोर्सेज भी अपने चलते रहते हैं, डिप्लोमा के बहुत सारे कोर्सेज हैं। जब तक आपका डिप्लोमा डिग्री नहीं होता है तब तक मैं आपके साथ हूँ, तो चैनल के साथ जुड़े रहना है और इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं जल्द ही।